बी रेडी। फाइव सेकेंड्स स्टार्ट। रिट पिटीशन नंबर 76 ऑफ 2016 वॉज फाइल्ड फॉर डिक्लेयरिंग राइट टू सेक्सुअलिटी, राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी एंड राइट टू चॉइस ऑफ ए सेक्सुअल पार्टनर टू बी पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फर्दर टू डिक्लेयर सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। व्हेन द सेड रिट पिटीशन वॉज लिस्टेड बिफोर ए 3-judge बेंच ऑन 8 जनवरी 2018, द कोर्ट रेफर्ड टू ए 2-judge बेंच डिसीजन रेंडर्ड इन सुरेश कौशल वेयर इन दिस कोर्ट हैड ओवरटर्न्ड द डिसीजन रेंडर्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट इन नाज फाउंडेशन। इट वॉज सबमिटेड बाय मिस्टर अरविंद दातर लर्न्ड सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिट पेटिशनर्स ऑन द सैड ओकेजन दैट द 2-judge बेंच इन सुरेश कौशल हैड बीन गाइडेड बाय सोशल मोरैलिटी लीनिंग ऑन मेजोरिटेरियन परसेप्शन वेयर एज द इशू इन एक्चुअलिटी नीडिड टू बी डिबेटेड अपॉन इन द बैकड्रॉप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरैलिटी। ए कंटेंशन वॉज ऑल्सो एडवांस्ड दैट द इंटरप्रिटेशन प्लेस्ड इन सुरेश कौशल अपॉन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सट्रीमली नैरो एंड इन फैक्ट द कोर्ट हैज़ बीन बेसिकली गाइडेड बाय आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिलायंस वॉज प्लेस्ड ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ नालसा केस वेयर इन दिस कोर्ट हैड एम्फिसाइज्ड ऑन जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू ए 9-judge बेंच डिसीजन इन के एस स्वामी एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वेयर इन द मेजोरिटी स्पीकिंग थ्रू चंद्रचूड जे हैज़ ओपाइंड दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट फॉर्मुलेटेड ऑन मेजोरिटेरियन फेवर और एक्सेप्टेंस। कॉल जे इन इज कॉन्करिंग ओपिनियन रेफर्ड टू द डिसीजन इन मोस्टली वर्सेज न्यूज ग्रुप न्यूज़पेपर्स लिमिटेड टू हाईलाइट दैट द एम्फेसिस फॉर इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू कंडक्ट हिज सेक्स लाइफ एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स एज ही विशेस सब्जेक्ट टू द परमिटेड एक्सेप्शंस काउंटरवेल्स पब्लिक इंटरेस्ट। द फर्दर सबमिशन दैट वॉज एडवांस्ड बाय मिस्टर डाटर वॉज दैट प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल हैविंग बीन पुट ऑन सच ए हाई पेडिस्टल एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन हैविंग बीन एम्फेसाइज्ड इन द नालसा केस सेक्शन 377 आईपीसी कैनॉट बी कॉन्स्ट्रूड एज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज दैट वुड हैव द पोटेंशियलिटी टू डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इट इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट ए प्रोविजन डज नॉट बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल merely because of abuse. Appreciating the said submissions, the 3-judge bench stated that certain other aspects need to be noted. Section 377 IPC uses the phraseology carnal intercourse against the order of nature. The determination of order of nature is not a constant phenomenon. Social morality also changes from age to age. The law copes with life and accordingly change takes place. The morality that public perceives the constitution may not conceive of. The individual autonomy
and also individual orientation cannot be changed unless the restriction is regarded as reasonable to yield to the morality of the constitution. What is natural to one may not be natural to the other, but the said natural orientation and choice cannot be allowed to cross the boundaries of law, and as the confines of law cannot temper or curtail the inherent right embedded in an individual under Article 21 of the Constitution, a section of people or individuals who exercise their choice should never remain in a state of fear. When we say so, we may not be understood to have stated that there should not be fear of law, because fear of law builds civilized society, but that law must have the acceptability of the constitutional parameters. That is the litmus test. It is necessary to note in the course of hearing on a query being made, and Mr. Darter very fairly stated that he does not intend to challenge that part of Section 377 which relates to carnal intercourse with animals, and that part he confines to consenting acts between two adults. As far as the first aspect is concerned, that is absolutely beyond the debate. As far as the second aspect is concerned, that needs to be debated. The consent between two adults has to be the primary precondition. Otherwise, the children would become prey, and protection of the children in all spheres has to be guarded and protected. Taking all the aspects in a cumulative manner, we are of the view the decision in Suresh Kumar Kaushal's case requires reconsideration. The three-judge bench expressed the opinion that the issues raised should be answered by a larger bench, and accordingly referred the matter to the larger bench. That is how the matter has been placed before us. We have heard Mr. Mukul Rohatgi, learned senior counsel, assisted by Mr. Saurabh Kirpal, learned counsel, appearing for the petitioners in writ petition number 76 of 2016, Ms. Jaina Kothari, learned counsel for the petitioner in writ petition number 572 of 2016, and Mr. Arvind P. Darter, learned senior counsel for the petitioner in writ petition number 88 of 2018.